तो कल तक हमने जाना था। अब दो राजकुमार जो वन देखने आए थे, किशोर अवस्था के हैं, सब प्रकार से सुंदर हैं, सांवले और गोरे हैं। उनके सौंदर्य को बखान नहीं किया जा सकता। सीता जी, ये सखियों ने कहा था, या और सखियों से सीता जी ने कहा था, ये सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा हुई थी। तो एक सखी ने कहा था कि ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। और जिन्होंने अपनी रूह की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहाँ तक सभी लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं, अवश्य उन्हें देखना चाहिए, वे देखने योग्य हैं। सखी के वचन सीता जी को बड़े ही प्रिय लगे और वह दर्शन के लिए अकड़ा कर उठी, और उसी सखी को आगे करके सीता जी चली। तो अब आगे सुनेंगे आप, तो अब आज का पाठ करते हैं। नमस्कार व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और मेरा ये कार्यक्रम रामचरितमानस का बालकांड पाठ अवश्य देखते होंगे। ये पाठ मैंने एक मंदिर के लिए कर रही हूँ, मंदिर निर्माण करने के लिए कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप व्यूअर्स उसमें मेरा साथ देंगे, मतलब कि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और अपने परिवार और मित्रगणों से भी करवाएंगे। देखिए, इसे सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, तो कृपया इसे कीजिए। और क्योंकि ये रामचरितमानस का बालकांड पाठ है, तो बालकांड भी है, रामचरितमानस है, एक्चुअली राम का पाठ है ये। तो इसमें किसी भी हेल्प करने से या राम का नाम लेने से राम जी की कृपा बनी रहती है। तो आज का पाठ हम शुरू करते हैं। मैं दिखाऊंगी आपको वो वीडियो जिसमें मंदिर है, जिस मंदिर का निर्माण कराना है। तो आप लोग देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सुमिरी सिए नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकति सकल दिशि जनु शिशु मृगी सभीत। नारद जी के वचनों का श्रवण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब वो इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंगन किकनी नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन रामु हृदय गुनी, मानहु मदन दुधुम्बी दीन, मनसा विश्व विजय कह कीन। कंकण करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, ये ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। यहाँ रामचंद्र जी कहते हैं कि उनको सीता जी की आने की ध्वनि सुनाई थी, कि बाजे बज रही थी और हाथों के कड़े बज रहे थे, तो उनकी आवाज़ आ रही थी, चूड़ियाँ वगैरह बज रही होंगी, तो उसी की आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि जैसे कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प लेकर डंके पर चोट किया। हाँ, ऐसा तो था ही। अस्कई भ्री चिते तेही ओरा, सिए मुख शशि भय नयन चकोरा, भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमे तजे दिगंजल। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी फिर कर उस ओर देखा, श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, मानो निमि
निमी ने सकुचाकर पलके छोड़ दी, मतलब यहाँ पर श्री रामचंद्र जी जो वर्णन कर रहे हैं कि सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए हैं, चार हो गए हैं, सुंदर उनके जो नेत्र हैं वो स्थिर हो गए, मतलब कि एक टकटकी लगा कर देख रहे हैं, और जनक जी के पूर्वज जिनकी सब सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया, मतलब एक ही एक टक वो देखे जा रहे हैं। देखी सीए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु ना आवा, जनु विरंची सब निज निबुनाई, विरंची विश्व कह प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलते, वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखाया दिया हो। तो अब जो कुछ मेरे अगर कुछ मेरे शब्द समझ में ना आ रहे हो तो उसको इग्नोर कीजिए प्लीज़, इसको देख भी सकते हैं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके क्या लिखा हुआ है वो सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। सुंदरता कहूँ सुंदर कराई, कराई छवि ग्रह दीप सिखा जनु बराई, सब उपमा कभी रहे उजठारी, के ही बटतरों विधे कुमारी। सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है, वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है, मैं जनक नंदिनी सीता जी की किससे उपमा कर दूँ। तो यहाँ रामचंद्र जी ने सीता जी की शोभा का वर्णन किया हुआ है, जो इस तरह से थी मैंने पढ़ी। सीए शोभा ये वरणी प्रभु आपनी दशा बिचारी, बोले सुचि मन अनुज मन अनुज सन वचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। मैं ये आप लोगों के लिए रामचंद्र जी का ये रामचरितमानस का पाठ पढ़ रही हूँ, कृपया सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी नोटिफिकेशन के लिए उसे भी प्रेस कीजिए, हिट कीजिए उसको, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जैसे ही मैं पाठ डालूँगी। सुबह आजकल मैं सुबह पाठ डाल रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि रेगुलर हो जाए ये, और कभी कभी रह जाता है तो मैं रेगुलर डालने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आप सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं डालूँगी तो आपके पास घट से जल्दी पहुँच जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी। और सभी को कहिए कि अच्छा है रामचरितमानस का पाठ सुबह सुबह सुनेंगे ही तो वो बहुत अच्छा लगेगा, दिन अच्छा जाता है। तात जनक तनय ये सोई, धनुष यज्ञ ये ही कारण होई, पूजन गौरी सको ले आई, करत प्रकाशु हृई भुलवाई। हे तात, ये वही जानकी जी कन्या है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है, सखियाँ इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं, यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जासु बिलो की अलौकिक शोभा,
सहज पुनीत मोर मन छोवा, सो सबु कारण जान विधाता, फरक ही सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है, वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक अंग भड़क रहे हैं, दाहिना अंग भड़क रहा है। यानी कि शरीर का दायां अंग फड़कना शुभदायक होता है। रघुवंश ने ही कर सहज स्वभाव, मनु कुबंत पगु धरई न काऊ, मोही अति से प्रतीति मन केरी, जेही सबने हु पर नारी ना हेरी। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जगत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। तो यहाँ पे बताते हैं, रामचंद्र जी बताते हैं कि रघुवंशियों का ये स्वभाव है कि वो कुमार्ग पर कभी नहीं चलते और उनका अपना अत्यंत विश्वास है खुद पर कि जगत की तो वो कहते हैं कि कौन जाने, बस स्वप्न में भी जिसने पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है, इतने और पवित्र नेचर स्वभाव के हैं। जिन्हें के ले हैं ना रिपु रन पीठी, नहीं पावही बरतिए मनु दीठी, रन मंगल लहीं ना जिन्हें के नाही, तय नरबर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं हैं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नाही नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौट पाते, ऐसे श्रेष्ठ वो तो संसार में थोड़े होते हैं। तो जो मैं बात कर रही थी कि मैं इस रामचरितमानस के पाठ को एक मंदिर बनवाने के लिए कर रही हूँ, वो मैं आपको मंदिर की वीडियो में डालती हूँ। तो देखिए वो आपने वीडियो, वो एक मंदिर है 50-60 साल पुराना, जो कुल देवी का मंदिर है, उसे ही हम थोड़ा सा इम्प्रूव कराना चाहते हैं कि कोई पंडित जी वगैरह रहें। और तो अगर मुझे इसे यूट्यूब से इनकम हुई तो मैं ज़रूर उसको पूर्ण करवाऊंगी, आप लोगों का साथ मिला तो। करत बत कहीं अनुज सनमन सिये रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि कराई मधुप इव पान। यों श्री राम जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुखरूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौंरे की तरह पी रहे हैं। यहाँ पर मुहावरे में बताया हुआ है जो सब लोग समझ सकते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे एक तो मोटिवेशन भी मिलती रहे और दूसरा रामचरितमानस का जो पाठ है जिस मंदिर के लिए कर रही हूँ उसे मैं पूर्ण कर सकूँ। चित्तवती चकित चहूँ दिसी सीता, कह गए निब किशोर मनु चिंता, जह विलोक मृग सावक नैनी, जनूत हैं बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं, मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छौने की सी आँख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, मानो
वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है तुलसीदास जी ने कि सीता ही चारों तरफ देख रही हैं और मन उनका इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। और बाल मृग नैनी मतलब उनके बालपन को जो आँखों के वर्णन किया गया है यहाँ पर, सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है, वहाँ बहुत चीज़ें बहुत सुंदर लगती हैं। लता ओट सब सखिन्हे लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन लल चाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे, वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि सखियों ने उनको एक पेड़ की ओर पेड़ के पीछे से दिखाया दोनों राजकुमारों को, तो उनको सीता जी उनको देख करके ऐसा उनको महसूस हुआ कि उनको सब कुछ मिल गया, उनको अपना खजाना मिल गया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक लिए हूँ परिहारी निमिषे, अधिक स्नेह दे भय भोरी, शरद शशि ही जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र चकित हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शशि शरीर विभल हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। तो सीता जी का वर्णन किया गया है यहाँ पे कि सीता जी ने रघुनाथ जी को देख करके देखती ही रह गई, और स्नेह के कारण उनका मन बेकाबू हो गया, मानो जो सर्दी के चंद्रमा को देख रही हो, बेसुध होकर के देख रही हो। लोचन मग राम ही उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी, जब सिए सखी ने प्रेम बस जानी, कही न सकही कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए। जब सखियों ने सीता जी का प्रेम के वश जाना तब वे मन में सकुचा गईं, कुछ कह नहीं सकती थी। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के वर्णन करते हैं कि नेत्रों में रामचंद्र जी को हृदय में बसाकर वो चतुर शिरोमणि थे। चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के मतलब पलकें बंद करनी और वो ध्यान लगाने लगी। तो सखियों ने जाना कि वो प्रेम के वश में हैं और वो मन में सहम गई, सकुचाने लगी और पर कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रगट भे ते ही अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बिल गाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग दो वीरा, नील पीत जल जाब शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्च बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है, सिर पर सुंदर मोरपंख सुशोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। यहाँ पर जो बाकी जो फूलों की जो फूलों का वर्णन किया गया है कि दोनों भाई की शोभा सीमा है, जो शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है, सिर पर
सुंदर मोर वंश, अच्छा सर्व मोर वंश सुशोभित है, नहीं बाघ की नहीं है, भाइयों की ही, भाइयों के बारे में ही बताया गया है कि दोनों भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आवा पीले और नीले कमल की सी है, सिरवा सुंदर मोर वंश सुशोभित है और बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हुए हैं, और जो वहाँ से बाग में से निकल रहे हैं वो बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हुए हैं जब वो बीच में से आते हैं, मैंने वही जानकारी उसको बोल दिया था। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, बिकट भुकटी कच घूगर वारे, नव सरोज लोचन रत नारे, माथे पर तिलक और पसीने की बूंदे शोभायमान है, कानों में सुंदर भूषण की छवि छाई है, टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रतनारे नेत्र हैं, चारू चुबक नासिका का बोला, हास लिवा बिलास लेत मनु मूला, मुख छवि कहीं न जाई मोही पाही, जो बिलो की बहु काम लजाही, थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोह लिए लेती है, मुख की छवि तो मुझसे कहीं ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्मनी माल कंबू कल गीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठी लोना, वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख के सुदृश सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में खूलों सहित दोना है, हे सखी यह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। अभी सीता जी वर्णन कर रही हैं श्री रामचंद्र जी का कि उनकी छाती पर मणियों की एक माला है, शंख के सदृश गला है और कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड की समान भुजाएं हैं, उतार चढ़ाव वाली जो, और बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों का एक दोना है, गुलदस्ता है, और वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है, सुंदर है। केहरी कटी पट पीत धर सुषमा सील निधान, देखी भानुकूल भूषण ही बिसरा सखी ने अपान, सिंह किसी कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धरी धीरजू एक आली से आनी, सीता सन बोली गही पानी, बहुरी गौरी कर ध्यान करी हु, भूभ किशोर देखी किन ले हो। एक चतुर स्त्री धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान कर फिर कर लेना, इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। तो आज का पाठ में यहीं पे पूर्ण करती हूँ, कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं, आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, विद लॉट्स ऑफ लव, बी सेफ, नमस्कार।